हील्स का है भाई, बोलेंगे मत बोल, तू तेरी हील्स फेंक दी मैंने, मालूम है सर रास्ते में पता ही लेट कैसे होगी वहां पे। हाँ हील्स पहन के आई थी, मेरे को बताइए था बाजू में खड़ा ऐसी ऐसी एक तबाक से गिर गई। मैंने से पूछा लेट कैसे हुई, हाँ तो बोलते मैं हील्स पहन के आई थी तो गिर गई, मेरा पैर मुड़ गया तो ओके, मैं गिरी भी नहीं थी तो काहे के उसको पहनते थे वैसे। तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला, मैं तेरा होस्ट हूं यहां, पार्टनर हूं और क्या, चलो गोस्ट हूं गोस्ट जागेश्वरी दीदी प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर सरस्वती वंदना, क्लैप फॉर हर। कुछ पता नहीं आता, तू खुद बता। अरे वो मेरे साइड के एक अंकल रहते हैं। वो दीपू के पापा? नहीं उनके साइड में। हाँ हाँ पहचानता हूँ सबको। वो एक बार ना वकील के पास गए। कौन से वकील? वकील, हाँ वो जज वाले ना। हाँ जज वाले नहीं, वकील। मजाक तो सही मुझे नीचे ही फेंक दे, वकील। हाँ चलो ठीक। हाँ तो गए और वकील से बोलते मुझे तलाक करवाना है। तुमने तलाक अपने किससे लिया? तलाक किससे लेते हैं? पत्नी से। तो बस उनसे लिया होगा ना। ठीक खुश है तू। उसने बोला कि मुझे तलाक कराना है, तो बोले कि 50,000 रुपए रखेंगे। अबे के इतने में तो शादी के 10 बार शादी हो जाती किसी की। तो उसने यही बोला ना, पंडित जी ने तो 10,000 रुपए शादी करवा दी थी। तो वकील ने भी बोला, देख लिया सस्ता माल कैसा होता है। वो वकील को मेरे को सामने ला के उसे शादी कराने के लिए, उसको ही बुलाऊं सामने। अच्छा और कुछ पता है? तू मेरे को बता, अगर तू अपनी मम्मी से खाना मांगी कैसे मांगी? दीदी आप, तू मत बता, दीदी आप बताओ। मम्मी खाना दीजिए। पता मम्मी खाना दो, वो जो भैया है ना वो देखे खाने को दे। वो भैया पता नहीं क्या खुशी होती, मम्मी खाना दे दो ऐसे खाने को दे। मतलब चिल्लाएंगे खुशी में एकदम। तुझे नहीं पता मैं अपने पापा की परी हूँ। तो मैं भी तो अपने पापा का पारा हूँ ना। पारा क्या होता है? जब भी मेरे पापा को देखते हैं ना वैसे उनका पारा ऊपर हो जाता है, उसी कारण उनका पारा हूँ। देख के पारा गरम हो जाता है। ऐसा है क्या? और कुछ आता है तुझे? कुछ आता है? मेरे को इधर ना किसी को ही बुला ले, हम सब दिखा देंगे। किसको बुलाया यार? पता है मेरे दोस्त है। हाँ आंसू को यहाँ बुलाया जाए। आंसू? मेरे तो आंसू नहीं आ रहे यार। मैं अपने आंसू की बात कर रहा था ना। तेरा कौन सा आंसू है? आशुतोष वाडीवा। आशुतोष वाजीवा वाडीवा। अच्छा वाजीवा नहीं वाडीवा। अच्छा आशुतोष वाडीवा। अच्छा वाडीवा। और कुछ? कुछ नहीं। और उसको यहाँ नाचने के लिए बुला, गाने के लिए बुला। आई वुड लाइक टू कॉल आशुतोष भैया, प्लीज कम ऑन द स्टेज, क्लैप फॉर हिम। लौटता इंसान ये दिखा, हाँ जो डांस तो कर रहा है, हाँ डांस के लिए बुलाया है, वो जो सही में गाना बजाया उधर, उससे ज्यादा साउंड उसका है। सारा जमाना हसीनों का दीवाना। पता नहीं गाना उधर बजना ही बंद हो गया लग रहा था। आप लोग को एक बार की बात बताती हूँ, ठीक है? एक दिन शादी में हिना दी गई। कौन सी हिना दी? दी गई। हाँ तो उन्होंने डीजे वाले से बोला कि ऐसा कोई पतंजलि का सॉन्ग बजाओ जो हमारे कानों के लिए फायदेमंद हो और जिससे कोई रिएक्शन ना होता हो। सही में ऐसा गाना भी है कोई? उनके लिए होगा, मेरे को नहीं पता यार। पता है मैंने सर ये बोला, मैंने बोले तुझे सबको हंसी आई ना, इसने बोला हंसी आई नहीं। तो एक अच्छे से बोल किया था मैं बोलूंगा। अच्छा बता, लाख रुपए दो रुपए कुछ है सोचने तो। हाँ याद आया, एक दिन दादाजी और पोते सामने बैठे थे। कौन से? दादाजी और उसका पोता साथ में बैठे थे।
तो दादाजी पोते से बोलते हैं जा तेरी टीचर आ रही जाके छुप जा। तो पोता बोलता है दादाजी आप छुप जाओ क्योंकि आपके पढ़ने के चक्कर में मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली। यार कुछ भी और कुछ बचा है? नहीं अब तू ही बता दे। मैं नहीं बताता, देखो बताना है। नहीं मेरे को कुछ नहीं बताना है। और कुछ है इधर देख ले, इधर आजू बाजू में। नहीं कुछ नहीं है। है नहीं है, कुछ नहीं है। सरनेम तो ना बता कर। और कुछ नहीं यार, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉपी में। तो कुछ खत्म करने का कुछ सेंटेंस था? हाँ खत्म होने वाला है। तो आप लोगों को पता है फंक्शन बहुत रॉकिंग होने वाला है? मेरे को नहीं मालूम क्योंकि मैं तो उसको रॉकिंग करता हूँ। चलो मैम आप लोग को बताते हैं, आपने पिछले साल का 100 फंक्शन देखा था? नहीं। Yes. देखा था कि नहीं? Yes. और उसके पिछले बार का देखा था? Yes. नहीं। मैंने पिछले बार का तो इनका एक साल बर्बाद कर दिया, तो देखने की क्या बात कर रही है? सुन तो मैं तेरे को बताती हूँ क्यों रॉकिंग बना। पिछले साल कोई और एंकर था, उसके पिछले साल कोई और एंकर था, लेकिन इस साल एंकर मैं हूँ। मैं हाँ मैं चल जा। तो इसका तो छोड़ ही दो क्योंकि अपने में बिजी रहता है, लेकिन मैं हूँ जो आपको हंसाऊंगी जरूर। तो मैं बता देती हूँ इस फंक्शन में क्या होगा। जोक्स होंगे जो आपको हंसाएंगे, डांस होंगे जो आपको जलाएंगे, और सॉन्ग्स होंगे जो आप खुद ही सोच लो किसी का गाने का होगा। बट हम आपको रुलाएंगे नहीं, सिर्फ हंसाएंगे ही हंसाएंगे। सो वी आर स्टार्टिंग अवर फंक्शन वेरी 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 गुड होता है। We are starting our function jokes. So I would like to call Aisha Didi, please come on the stage. Clap for her. So our audition is over. Look, Aisha, look. 3, 2.